लोगों की सेवा में गीता केसर कंपनी की ओर से किस्सा पेश है भगत पूर्णमल भाग नंबर एक, जिसके गायक कलाकार हैं आपके सेवक बाली शर्मा धारेड़ हुए साथी। तो सजनों बात कहां से के, जब भगत पूर्णमल को 12 साल के बाद भोरे से निकलवाया गया तो राजा सलेमान ने पूर्णमल को कहा कि बेटे तू सबसे पहले अपनी मौसी नुनादे के दर्शन करने के लिए महल में जाएगा। तो सजनों भगत पूर्णमल अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पहले महल में पहुंच जाता है। तो जब रानी नुनादे ने पूर्णमल का रूप देखा तो एकदम से उसके रूप के ऊपर मोहित होगी और उसके साथ पुत्र का नाता भूलकर कामदेव के वशीभूत होके पति जैसा व्यवहार करने पर तुल जाती है। तो भगत पूर्णमल अपनी मौसी नुनादे के अभद्र व्यवहार से तंग आकर वहां से चल पड़ता है। तो रानी नुनादे पीछे से त्रिया त्रिकर खंडा के आसन पाटी लेकर महल में गिर जाती है। तो पूरी रात दरबार में इस बात की खबर फैल गई कि रानी नुनादे बहुत सख्त बीमार है। तो सजनों राजा सलेमान को इस बात की सूचना दी जाती है कि महाराज रानी की कुछ तकलीफ हो गई। तो राजा सलेमान अपनी रानी नुनादे का हाल पूछने के लिए महल में आता है। तो किस तरह से जमीन पर लेटी हुई रानी और राजा सलेमान अपनी रानी से किस तरह से क्या पूछता है, कभी ने पहली बात में क्या कहा भला। और जब राजा सलेमान पुकारता रहा आवाज देता रहा परंतु रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो रानी नुनादे एकदम से बैठी होके और पूर्णमल के बारे में अपने पति राजा सलेमान को किस तरह से क्या करने लगी भला। न बोली हो तेरे पूर्ण मल बदकार ने, ओ मजई मार के गेरिया जे मेरी गैल जुल्म करी क्या आज मेरी वो गैल जुल्म करे क्या तेरे पूरण मल बदे कारने में हो गई मार के तेरे आज दुखी दही दाने होने नहीं हो
पिता की पागली ये मन है समझ पति बरगा आज मेरी बैल जुलम कर चुप की बदकार हो जा।
जा जे पूरण मल दे हक भी कर जा पूरण मल दे पूरी गिरजा आसमान बसरे गिरजा आसमान बसरे जो ठंडा मोम की ले बार हो जा करे बंद है जमान बसरे अरे चुप की बलवार हो जा करे के घर जतू बैठे बेहूती कटके घर बैठे बेहूती कटके रट लक्ष्मी तन भगवान बसरे रट लक्ष्मी तन भगवान बसरे और सब जगहेत में पार हो जाते बंदे भगवान बसरे देखा कि राजा बहुत क्रोधित हो चुका है तो रानी ने कहा कि महाराज आपका जो भगत पूर्णमल है जिसे आप भगत कहते हैं वो मेरे को अपनी बहू बनाना चाहता है। ये देखिए मेरे तन के वस्त्र भी फट गए, इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया। तो राजा सलेमान ने रानी की बात गौर से सुनी और सोचा कि भाई बड़े बड़े महान ऋषियों का ध्यान डिग गया और के चक्कर में आके पूर्णमल की तो औकात ही क्या है। तो राजा सलेमान रानी को दिलासा देकर और समझा कर और कहा कि अगर इसमें पूर्णमल का खोट मिला तो मैं उसको सजा अवश्य दूंगा। उधर हलकारा भेज करके भगत पूर्णमल को महल में बुलाता है तो भरी सभा के अंदर किस तरह से जब हलकारा भगत पूर्णमल के पास पहुंचा तो भगत पूर्णमल चलते भगत क्या सोचने लगा, उसके दिमाग में क्या बात आई, कभी ने क्या कहा भला। तेरी बहन कपड़ी थी काना के मैं और ही आयु जल के आया और चोगर देते घेर लिया री धन मोसी तेरी माया धन मोसी तेरी माया के ये थी इन राज घरा की रानी मैं दर्शन करने गया मुसी के ऊंच नीच ना जानी वो किसी के दर्शन भाई कर कर जी और बैरन बेटे खानी फिर और किसी का दोष नहीं से मेरे पिछले कर्म की पिछले कर्म की आई और जान बूझ मेरा पिता तू बिगा वे जान बूझ मेरा पिता तू बिगा मत दर्शन करने खंदाया और चोगर देते घेर लिया
खामोशी भाई एक के दरगा ये काज सारणी हो से और मैं जानू था मां और मोसी तरण तारणी हो से फिर ऊंच नीच का ख्याल करना ये व्यभिचारिणी हो से और वेद कहे बेशर्म स्त्री परम हारिणी ये हो से परम हारिणी हो से फिर पूत पिता का ख्याल करना पूत पिता का ख्याल करना जो अपना सेक पर आया और को कर देते फिर भले घरों में भाई आजन में कोई ओछे कर्मा आला और नीच कर्म ते फिर ऊंच घरा के कोई नीच बैठा दे नीच बैठा देता जैसे मेरी मौसी ने और मारे घर का वो मेरी मौसी ने नाश कराना चाहा तो कर देते फिर लियारी के साथी रहे थे कदे छोटा नहीं कहावे और भले पुरुष का सत्संग कर कदे खोटा नहीं कहावे फिर लेख कर्ज दे भाई तार किसे का टोटा नहीं कहावे और बुरे कर्म पे लोग इज्जत बंद कदे मोटा नहीं कहावे लक्ष्मी चंदी मौसी के दर्शन में ए लक्ष्मी चंदी मौसी के दर्शन में और कर के यो फड़ पाया और तो कर देते पहुंचा तो एकदम से अरारा सलेवान पूर्णमल को क्या कहने लग गया और किस तरह से क्या कहा भला
हरमा बेटे का नेग बिगड़ गया और दोष धरिया कुण से ने और धर्म स्वरूपी लकणी चाहिए खोट करिया कुण से ने खोट करिया कुण से ने हरमा बेटे का साची बाती बखत पे के दिए और जिस पे खता बनी हो और थरे मौके का कौन गवा जिसने थरी बात सुनी हो जिसने थरी बात फिर लागी चासी आज की चाहे या थोड़ी चाहे घनी हो और ईसा जुलम मने यो किते न देखा जित माँ का पूत धनी हो माँ का पूत फिर थारे माते बिना आस की थारे माते बिना आस की आज कहो सरिया कुण से ने और धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए मलकी विशाप आत्मा या कष्ट देन की नासे और राज घरा में भाई इसी कसूती चोट खेन की नासे थरे दोनवा माते यो सलेवान लिया थरे दोनवा माते यो सलेवान लिया यो समझ मरिया कुण सीने और धर्म स्वरूपी कहीं चाहिए गगन चले फिर अगन गगन चले धरण काटगी या दुनिया एक करड़ होगी और होनी बनी होन की खाचरी अपने ही बड़ होगी अपने ही बड़ होगी काम देव की जाल उठ के
या होली की झड़ होली और बारह साल की और करी तपस्या सारी निष्फल होगी नत फल लागण का रूप बता दिया नत फल लागण का रूप बता दिया यो काट हरिया कुण सीन और धर्म स्वरूपी कहीं सही है सलेमान कहने लगे अरे दूर दूर से देश विदेश से प्रदेशों से इसकी सगाई करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत रिश्ते आए सभी मना कर दिए और आज इसने जो कुछ हकीकत करी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आखिर मैं क्या कहा राजा सलेमान है भाई तीन से साठी सगाई तजरी यो पूरण भगत निराला और बेरा ने किस ढाल टूट गया जन्म जति का पाड़ा जन्म जति का इन भोरी बीती संभाल्या करके और सबका देखा बारा सत्य की मेरी करूं तेरा नी करे जान का बारा करे जान का श्री लक्ष्मी चंद के यो घड़ा पाप का श्री लक्ष्मी चंद के यो घड़ा पाप का कहो भरिया कुण से धर्म स्वरूपी